बैठिए सर। विजेंद्र सिंह, यस सर, आप देखते हैं आपके पिता कृषि क्षेत्र के थे। यस सर। किस जिले के आप रहने वाले हैं? सर गया डिस्ट्रिक्ट। गया जिले। गया जिले में मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? धान, धान, गेहूं, मक्का, मसूर, चना। बिहार में मक्के की खेती हो रही है, इसका कुछ प्रोस्पेक्ट है? इससे कुछ किसानों को फायदा हो रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है? जी सर, कटिहार सर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सर प्रोडक्शन बहुत हाई है मक्के का जो, तो उसके लिए सर गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम चलाई हैं, बजट में उसके लिए प्रावधान भी किए गए थे। चलिए, किसी पर ये एक डेढ़ दो साल पहले कुछ कृषि सुधार के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए, फिर उन्हें वापस लेने का ऐलान हुआ, क्या समस्याएं थी इसमें, उसके मुख्य बिंदु क्या थे और विरोध करने वालों का क्या पॉइंट था? सर कृषि से रिलेटेड जो कानून बनाए गए थे उसमें सर कृषि सुधार से रिलेटेड कई वो थे, जैसे कृषि के मार्केटिंग से रिलेटेड कई नियम बनाए गए थे, तो सर उस पर जो विरोध करने वाले थे उनका ये कहना था जो कि ये जो मार्केटिंग का जो प्रोविज़न किया गया है इसमें जो गरीब किसान है उसके तरफ से जो जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका शोषण करेंगे, जो उनका ये कहना था, क्योंकि वो बड़े किसान बड़े जो छोटे जो किसान हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से केस वगैरह ये सब में लड़ नहीं पाएंगे जो, तो ये मेनली मतलब कि रीजन था जिसके कारण ये कृषि वगैरह पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अच्छा चलिए, इससे अलग हटते हैं, आप तो अंकेक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। जी सर। तो अंकेक्षक है ग्राम पंचायत में आपके, तो पंचायत के आय के कहाँ कहाँ से फंड निधि आती है पंचायत को? सर किस किस स्रोत? सेंटर के ग्रांट्स के रूप में आते हैं। ठीक है जी। फिर सर स्टेट पब्लिक स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होते हैं वहाँ से भी ग्रांट्स आते हैं, और कुछ पंचायत को टैक्सेशन के भी अधिकार दिए गए हैं जो जैसे फेयर टैक्स वगैरह ये सब से भी पंचायत में पैसे आते हैं। पंचायत भी है, कोई भी एजेंसी को बजट बनाना पड़ता है, तो बजट में क्या क्या मुख्य अवयव होते हैं, बजट के मुख्य कंपोनेंट या अवयव क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या? सर बजट भी पंचायत के, हाँ किसी भी बजट में क्या क्या मुख्य होते हैं उसके? ठीक है, पंचायत के ही बजट के बताइए। सर इसमें इनकम के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? ठीक है, उनको ये करते हैं, फिर एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने हैं, जैसे कि एजुकेशन वगैरह गांव वगैरह ये हैं वहाँ एजुकेशन किस तरीके एजुकेशन पे किस तरीके से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पैसों को, उसके साथ साथ जो सैनिटेशन वगैरह हैं इस पे प्रावधान कुछ किए जाएंगे, जो टैक्सेशन के कौन कौन से एक महत्वपूर्ण बात आपने बताया, लेकिन नहीं, 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 आय व्ययक लेखा, ये आय व्ययक लेखा क्या होता है सर? इसको इंग्लिश में सर क्या कहें, इनकम? आय हिंदी बोला, आय व्ययक लेखा। जी सर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है? सर इसके बारे में कंफर्म नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए कि जो अगर ऑडिट होती है तो आपने कुछ सुना है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा कुछ सुना है ऑडिट अकाउंट में? सर डबल एंट्री सिस्टम तो सर सुना है, क्या होता है ये? सर इसमें जो पैसे आते हैं जो और जो खर्च किए जाते हैं वो दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो जिसको डेबिट और क्रेडिट के रूप में जो मेंशन किया जाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में सर इस पे कंफर्म नहीं। चलिए एक ऑडिट प्लीज। ये ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 15-16 में। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या हुआ अब तक? सर मैंने 64th का सर मेंस दिया था, उसके बाद सर 65th का भी मेंस दिया, लेकिन सर कुछ कमियां रह गई मेंस में जिसके कारण तक इंटरव्यू सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट क्या था ऑप्शनल? इकोनॉमिक्स ही था। इकोनॉमिक्स ही था। इकोनॉमिक्स में आप काफ़ी कंफर्टेबल है ना? यस सर। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताइए कि एक्सपेंडिचर जो व्यय है वो कैसे होता है, क्या तरीका है? सर एक्सपेंडिचर सर कई सोर्सेस पे मतलब कि वो खर्च किए जाते हैं, जैसे कि जो सोशल सर्विसेज पे खर्च किए जाते हैं, उसके अलावा सर कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है एक्सपेंडिचर के बारे में कैसे होगा, क्या तरीका है उसके खर्च करने? सर अभी इसके लिए कन्फर्म नहीं। अच्छा ये मनी बिल क्या होता है? मनी बिल सर अभी इसके लिए कन्फर्म नहीं है। नहीं मनी बिल। अच्छा ये फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना है? यस सर। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा इसमें भी है, आपका पंचायती राज वाले में भी है? यस सर। हाँ जी सर। क्या है वहाँ पे उसकी भूमिका? सर जो ग्रांट्स दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा वो पंचायत को मिलते हैं जो, तो उसकी भूमिका क्या है? सर सॉरी सर नहीं, पंचायती राज का उल्लेख कहाँ है? सर ये संविधान के आर्टिकल 243 में सर। और भी कहीं है? सर ये DPSP में आर्टिकल 40 में भी इसका मेंशन है कि स्टेट को पंचायती राज से रिलेटेड जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा ये श्री विधि क्या होता है? क्या सर श्री विधि क्या है? नाम सुना है पर सर। प्लांटेशन आपका ये हॉबी है ना? यस सर। तो श्री विधि के बारे में नहीं जानते? सर सुना है नाम लेकिन। गया में तो काफी फेमस है ही है ना, और वहां पर आप धान के बारे में बता रहे थे। यस सर। तो उसके रोपने का भी तरीका जो है श्री विधि में बता नहीं बता अभी कंफर्म। अच्छा ये आपका हॉबी पॉडकास्ट है? यस सर। क्या होता है? सर पॉडकास्ट सर ऑडियो लिसनिंग सर प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, जिस पे सर न्यूज वगैरह या अन आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं मणिपुर का घटना। यस सर। ये मणिपुर का घटना क्या है? सर मणिपुर में दो कम्युनिटी हैं मेनली, मैते और कुकी। कुकी समुदाय जो है सर उसको पहले से ही शेड्यूल कास्ट में दर्ज कर दिया गया है जो, लेकिन जो मैतेई कम्युनिटी हैं जो उन्हें वहाँ के हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ST का स्टेटस देने की बात की थी। इसी के चलते सर जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो विरोध पर थोड़ा उतर रहे हैं जो, इसी कारण से दोनों वो के बीच में अभी कुछ फसाद चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर में सिर्फ दो लोकसभा सीट हैं और जबकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 80। तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से केंद्र का मणिपुर पे कोई ध्यान ही नहीं है। सर ऐसा नहीं कह सकते, जो फाइनेंस होम मिनिस्टर ने कल ही स्टेटमेंट दिए हैं कि मैं हर 3 घंटे पे जो प्रधानमंत्री से इस बारे में हमेशा मतलब बात भी कर रहा हूँ और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आगे निकलेंगे। ठीक है, आप ऑडिटर के लिए आए हैं? जी सर। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि ये आपका एक अल्टरनेटिंग जॉब है? आप इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ऑडिटर में आ गए, तो आप इस जॉब को एज ए अल्टरनेट आप देख रहे हो, कल हो के आपकी ज्वाइनिंग किसी और में होगी, आप इसको छोड़ कर निकल जाओगे? सर ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर मैं सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम देता हूँ तो सर उसमें भी कई जॉब होते हैं, तो मेरे रैंक के आधार पर सर कोई भी जॉब मुझे मिल सकते हैं जो, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स का अध्ययन भी किया है जो, तो मेरे लिए सुटेबल जॉब है। आप ऑडिटर बन जाओगे तो बहुत बड़ी समस्या आती है कि ग्राम में गांव में यस मुखिया के साथ तालमेल बना के रखना, यस इसको आप कैसे हैंडल करोगे? सर जितने भी स्टॉक होल्डर जो होंगे जो लेन देन से रिलेटेड मामले में ही होंगे तो उनके साथ एक समन्वय बना करके काम करने की कोशिश करेंगे। लेजर सीट क्या होता है?
सर जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब नोट किए जाते हैं जो, तो उसका जो लास्ट जो वो अंकन जो होता है वो लेजर में ही होता है लास्ट में। यस सर। किसी मंथ का जो लास्ट अमाउंट होगा यस सर, वो नेक्स्ट मंथ के कहाँ पे एंट्री करोगे आप? सॉरी सर, कंफर्म नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आप निर्णय आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं सर।